हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड। तो आज हम आपको बताएंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड किस तरह डाउनलोड करें, आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है उसको रीप्रिंट कैसे करें। आपके पास कोई भी जानकारी नहीं है तब भी आप अपने एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करें, आपका अनुक्रमांक नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है तब आप अपने एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम पे और वहाँ पे सर्च करेंगे MJPRU। यहाँ पे सर्च करने के बाद हमारी पहले नंबर पे वेबसाइट आएगी ऑफिशियल MJPRU.ac.in। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे और नीचे होगा ये, यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम स्कीम, ये एग्ज़ाम की स्कीम है। और नीचे आएंगे रिजल्ट देख सकते हैं, नीचे ऑनलाइन, यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करते ही हमारे पास एक नया इंटरफेस खुलेगा। इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम क्लिक करते हैं, नया इंटरफेस खुला। अब इसमें फिल न्यू फॉर्म, यहाँ से हम BPBEd ईयरली एग्ज़ाम फॉर्म, BEd ईयरली एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। इस समय जो आए हुए हैं वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे फाइंड व्यू प्रिंट, यहाँ से रीप्रिंट कर सकते हैं हम। यहाँ से फॉर्म पेमेंट देख सकते हैं, पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं और फाइंड इन फॉर्म, अपना फॉर्म सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ से एडमिट कार्ड 2018-19 का या 2019-20 का डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम रीप्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे रीप्रिंट पे जाएंगे। अब यहाँ पे फॉर्म नंबर मांग रहा है, कभी कभी हम फॉर्म नंबर नोट नहीं करते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और सर्च कर देंगे। तो अपना फॉर्म नंबर जानने के लिए ऊपर लिखा है, अपना फॉर्म नंबर जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस मिलेगा। अगर आपके पास फॉर्म नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे कॉलेज का नाम सर्च करके डालेंगे, कोर्स डालेंगे, कौन सा कोर्स है, BA BSc MA MCOM, MA हिस्ट्री से प्रीवियस है, फाइनल है। यहाँ पे जेंडर डालेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और सर्च कर देंगे। तो हमारे पास हमारे जो फॉर्म नंबर होगा वो आ जाएगा, और जब हमारे पास फॉर्म नंबर आ जाएगा तो वो फॉर्म नंबर हम यहाँ पर डाल के इसको सर्च कर लेंगे। एडमिट कार्ड भी देख सकते हैं 2018-19 के, यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अपना फॉर्म नंबर जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। इसमें वही प्रक्रिया है, अगर फॉर्म नंबर आपको नहीं पता है तो आप अपना एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसके लिए फॉर्म नंबर जानने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर आपको वही पहुँचा देगा, आपके स्कूल का, आपके स्कूल का नाम, आपका कोर्स, सारी चीज़ें मांग के आपको फ़ोन नंबर दे देगा। इसलिए जब भी आप फॉर्म कोई भरें तो उसमें सबसे पहले अपना फॉर्म नंबर लिख लें। तो हम सारी अपना फॉर्म नंबर भर के, कैप्चा भर के एंटर दबाएंगे तो वैसे ही हमारा एक नेक्स्ट टर्म खुल के हमारा फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को हम प्रिंट आउट कर लेंगे क्योंकि एक इसकी प्रति कॉलेज में जमा करनी होती है, और हम इसके एक PDF अपनी ड्राइव में या अपने पास प्रिंट आउट निकाल कर रख लेंगे, क्योंकि इसमें हमारे सारे सब्जेक्ट, हमारा फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें होती हैं। तो इस फॉर्म को आप सेव करके सुरक्षित रख लें। तो इस तरह से हम अपने जो मैंने फॉर्म भरा है, आपने भरा है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, रीप्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपनी कीमती राय हमें दीजिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी लगती हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।